अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। अच्छा जी, तो मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं थी, और आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले व्लॉग में कि उस्मान का जो है ना वो कोविड पॉजिटिव आ गया था, जो हमने टेस्ट किया था, तो फिर मैंने किया तो मेरा भी बाद में पॉजिटिव आ गया। तो खैर पहले तो उस्मान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मेरी पहले ठीक थी लेकिन उनका मैं कर रही थी, तो फिर उसके बाद मुझे भी सारे वही सिम्टम्स आने लग गए, वही फ़ीवर, गला बहुत ख़राब, हाई फ़ीवर, फ्लू और बॉडी पेन, बहुत मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अजीब से मूड स्विंग्स हो गए, बहुत ही कोई अजीब ही कोई हालत हो गई थी। तो खैर यहाँ पे जो मैं आपके साथ अभी व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे कि मेरी क्या रूटीन रही और किस तरह से रही। तो ये मैंने बनाया है नाश्ता, सिंपल सा ही मैंने ऑमलेट बना के उसके ऊपर स्लाइस रख के और इसको मैंने फ्राई कर लिया है, और बस इन दिनों तो यही चल रहा था जल्दी जल्दी में, और इस तरह से कर ही रही थी मैनेज किसी ना किसी तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह हो ही रहा था। अच्छा जी, उसके बाद मेरे काम जो है ना वो इस तरह से ज़्यादा थे कि उस्मान का आपको बताया कोविड पॉजिटिव आ गया, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी, तो सारा टाइम उनका मैं कर रही थी, और कपड़े जो है वो उनको मैं दिन में 2 से 3 बार चेंज करा रही थी। एक तो जर्म्स होते हैं, दूसरा ये है कि आपके जो ड्रेसेस होते हैं ना, तो आप जब टैबलेट्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उससे आपको स्वेटिंग भी होती है, तो वो फिर गीले हो जाते हैं, फिर और आपको शिवरिंग होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं दिन में 2 बार 3 बार उस्मान के कपड़े चेंज कराऊं। अब वो जो मैं चेंज कराती थी उसमें भी ये टेंशन मुझे होती थी कि मैं घर में ना रखूं ज़्यादा, तो फ़ौरन से फिर मैं वॉश करती थी, और यही रूटीन यही सब कुछ जो है ना वो चल रहा था। अच्छा जी, और एक और चीज़ ये कि मेरे पास बेडिंग बेडसेट्स भी इतने ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थे और बड़ी अच्छी मेरे पास कलेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बहुत ही सिलेक्टिव है, और मैं चीज़ें नहीं ले रही थी क्योंकि मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी कुछ फ़ाइनल हो जाए चीज़ें, तो मैं ज़्यादातर ना फिर ले ही नहीं रही थी। और हम लोग यहाँ पे एज आ स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे ही थे, तो पता भी नहीं था आगे क्या होना है कैसे होना है, तो इसलिए इस तरह की मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रही थी। हाँ, कुछ चीज़ें जो मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ की थी या जिनके बगैर बिल्कुल गुजारा ही नहीं हो रहा था, वो तो मैं लेती रही हूँ और मैंने ली भी हैं। अच्छा, इस मशीन के बारे में भी बता दूं, अभी मैं क्या कर रही हूँ वो भी अभी आपको मैं बताती हूँ कि ये मशीन जो है ना, इसको जब भी मैंने शेयर किया अपने व्लॉग्स में, हमेशा मुझे क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं मुझसे आपने कहाँ से लिया है। ये मैंने यहीं से सिंगर की जो आउटलेट है ना उससे ऑनलाइन ऑर्डर की थी और वहीं से मैंने लिया है, और आप लोग अगर देखना चाहें मैंने शेयर किया था तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और ऊपर आई बटन में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, कपड़े तो मैं चेंज करा रही थी, उसके साथ एक चीज़ ये थी कि मैं जो बेडिंग का आपको बता रही थी, तो बेडशीट भी मुझे चेंज करनी होती थी, वो भी मैं साथ साथ चेंज कर रही थी। तो यहाँ पे सारा अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पिलो कवर्स है ना उनको मैं सिलाई लगा के थोड़ा सा टाइट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी अच्छे पिलोज़ ले लेना तो फिर भी आपके पिलोस कुछ टाइम के बाद फ्लैट हो जाते हैं। ये यहाँ पे है कि हमने महंगे भी लेके देखे हैं, हमने नॉर्मल रेंज के भी देखे हैं, हर तरह से लेके देखे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो कहीं ना कहीं फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो शेप है साइज़ है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पिलो कवर्स जो हैं उनको मैं थोड़ा सा टाइट कर रही हूँ, और बेडशीट मैंने चेंज करनी है, उसके साथ डुए जो सेट होता है सारा कवर होता है वो चेंज करना है, क्योंकि बार बार मेरी कोशिश यही थी कि जर्म्स में इंसान ना ही रहे, क्योंकि आप जितना साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपके कपड़े आपका बिस्तर साफ़ होता है ना, उतना आप सही रहते हैं। और फिर हमारे पास ज़्यादा बेडिंग बिस्तर कुछ है भी नहीं, और उस्मान को यही टेंशन होती थी कि मुझे तो हो गया अब आपको ना हो जाए, और बहुत केयर किया, लेकिन ज़ाहिर है आप एक घर में हैं, उसके साथ आप एक रूम में होते हैं, तो आपको फिर कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है, इस तरह से वायरल हो या कोविड हो कुछ भी हो लग ही जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं कोई भी डिज़ाइनिंग करती हूँ, इस तरह से पाइपिंग करती हूँ, कुछ भी ऐसा ना, तो एक पेन ले लें या इस तरह का कोई भी आपके पास टूल है, अटैचमेंट है, वो लेके और आप कॉर्नर्स को सही कर सकते हैं। स्पेशली जब शर्ट्स की पाइपिंग होती है, कोई गले का इस तरह डिज़ाइन होता है, तो ये आराम से जो है ना वो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, और ये बहुत अच्छा सफाई से नफासत से जो है ना वो बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अभी इन सब को टाइट कर रही हूँ, और मेरा इतना दिल चाह रहा है, इतने दिन हो गए हैं मैंने सिलाई भी नहीं की, मैंने बहुत सारे कपड़े लिए थे अनस्टिच्ड, और कुछ सेल्स में लिए थे, कुछ वैसे यहाँ से लिए थे, कुछ अम्मी ने भेजे थे, तो मेरा इतना दिल था कि मैं स्टिचिंग करूँ, लेकिन यहाँ पर आके आपने देखा है काम, सारा दिन काम काम होते हैं, इंसान फ्री नहीं होता, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें फ़ाइनल होने का वेट भी कर रही थी, तो अब इंशाल्लाह ताला मैं इन सारे कामों को कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ, जो डुए कवर होता है ना उसको मैंने चेंज किया और मैंने सारा नीचे कारपेट पे बिछा दिया। एक बार मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी मैं बड़ी तंग होती हूँ और इस तरह से चेंज करती हूँ तो बड़ी मुश्किल होती है, जितना भी आप किनारे पकड़ लें जो भी कर लें। तो अम्मी ने मुझे मशवरा दिया कि मैं हमेशा से जो है ना वो ऐसा करती हूँ कि मैं खुली जगह पर कारपेट पर बैठ जाती हूँ और वहाँ पे मैं इस तरह से आराम से चेंज कर लेती हूँ, तो फिर इंसान थकता भी नहीं है और आपको आइडिया भी हो जाता है गलत तो नहीं है ठीक तो नहीं है, तो आप आराम से जो है ना वो कर लेते हैं। तो मुझे बात ये बड़ी अच्छी लगी थी और फिर मैं भी अब इस तरह से अब करती हूँ कि मैं आराम से नीचे फैला देती हूँ, फिर इसको चेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं ना तो इनको मैं सी लेती हूँ। पिन वगैरह मैं नहीं लगाती क्योंकि मुझे डर लगता है कि खुल ना जाए या चुभ ना जाए सोते हुए, तो इसलिए मैं सारे जो चारों कॉर्नर्स होते हैं ना इनको मैं सिलाई कर लेती हूँ। बस इसके बाद ये मैं अभी रख दूँगी, सेट कर दूँगी और ये जितने भी कपड़े हैं मेरी कोशिश होती है बस इनको मैं साथ साथ वॉश करती रहूँ। यहाँ पे मैं आपको रूम दिखा रही थी कि ये हाल है जी रूम का, और घर में एक इंसान बीमार हो या दोनों बीमार हो जाए फिर तो वैसे ही बुरा हाल होता है, लेकिन खैर अल्लाह ताला हिम्मत दे ही देते हैं। आज रात को खाने में मैं बनाऊंगी कीमा। अच्छा कीमा जो है ना वो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आपको मैंने बताया कि तबीयत ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम थी कि ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था, ना उस्मान ज़्यादा खा रहे थे ना मैं ज़्यादा खा रही थी, बस थोड़ा सारा दिन यही चल रहा था और कुछ भी खाए। मेरा तो गला अभी भी इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया था ना, अभी भी स्टिल ऐसे लगता है अंदर ज़ख़म हो गए हो, और फ्लू भी अलग वो एक अलग कहानी जो है ना वो लगी हुई है, तो इसलिए कुछ भी मैं बना रही थी तो ज़्यादा खाया ही नहीं जा रहा था। तो आज मैंने सोचा मैं ऐसा करती हूँ चिकन का हल्के मसाले का कीमा बना लेती हूँ, इससे ये होता है कि ज़रा हल्का मसाला हो ना वो आपके गले में नहीं लगता और फिर आप रोटी के साथ खा भी लेते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दी हैं प्रेशर कुकर में और इसको मैं प्रेशर दे दूँगी और फिर जब मैं भूनूंगी ना उस टाइम पे मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। और जब मैं किचन में होती हूँ मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सारे काम जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ जो किचन के हैं, और सबसे ज़्यादा टाइम भी यहीं लगता है। और ये मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे छोटा वाला टॉवल है किचन का, इसको मैंने सुबह के टाइम ब्लीच में भिगो के रखा था, कुछ घंटे रखा था, इसका कलर ही नज़र नहीं आ रहा था और उसके बाद मैंने सर्फ से इसको वॉश कर लिया था और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा जो है ना वो ये हो गया। तो ये छोटा सा टॉवल है जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ। आजकल आपको मेरे व्लॉग्स में ग्रीन टी ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक्चुअली मैं पहले ना ग्रीन टी बहुत पीती थी, फिर बीच में इस तरह से हुआ था कि मुझे सूट नहीं करती थी और कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी या ग्रीन टी से मुझे डाइजेशन का या कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता था, तो इसलिए फिर मैंने ग्रीन टी बिल्कुल ही कम कर दी थी। आपने देखा होगा मैं बहुत कम पीती थी और ब्लैक टी मेरे लिए सही होती थी तो ब्लैक टी मैं पी लेती थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में 2 बार या 3 बार इतनी ही, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो ग्रीन टी है ना ये आजकल ज़्यादा पी जा रही है और स्पेशली उस्मान को मैं ज़्यादा देती हूँ, मैं फिर भी डंडी मार देती हूँ लेकिन उनको मैं देती हूँ। और दूसरा ये होता है कि इसमें आप शहद डाल के पी लें या वैसे आप पी लें तो ये काफ़ी अच्छी होती है, स्पेशली आपको फ्लू हो, फीवर हो, कोई भी गला ख़राब हो तो बड़ी अच्छी होती है। तो सिंपल मैं इलायची जो है ना इस तरह से इसमें डाल देती हूँ, 1 टी बैग डालती हूँ गर्म पानी डाल के, और बस जितना आपको चाहिए हो ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप टी बैग रखते हैं तो ये कड़वी हो जाती है, फिर वो अजीब सी कड़वाहट आ जाती है, तो जितने आपको अच्छा लगता है आप उतना मिक्स करके बस टी बैग को निकाल दें और ये फ़ौरन से रेडी हो जाती है। और उस्मान मिल्क टी वैसे भी थोड़ी कम पी रहे थे, जब उनकी तबीयत अभी ख़राब हुई है तो ज़्यादातर वो कह रहे थे मुझे ग्रीन टी दो, तो यही मैं बना के उनको दे देती थी। तो यहाँ पे अब मैं जो मेरा सैंडविच टोस्टर है इसको साफ़ करने लगी हूँ। आजकल इसका यूज़ काफ़ी हो रहा है और ये अच्छा है कि बस मैंने ले लिया, तो मुझे कोई भी सैंडविच बनाना हो कुछ इस तरह से ना तो मैं बस हल्का सा कबाब फ्राई कर लेती हूँ अंडा बना के और उसके बाद इसी में रख लेती हूँ, और इतना मज़े का क्रिस्पी रेडी होता है। उस्मान को बड़ा अच्छा लगता है और कुछ ना होना तो वो कहते हैं बस मुझे एक स्लाइस के साथ अंडा बना दो या कबाब के साथ इस तरह सैंडविच बना दो, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो इस बहाने वो कुछ ना कुछ ये खा लेते हैं। तो ये है कि इसमें बड़े मज़े का रेडी हो जाता है और इतना स्लो भी नहीं है, मेरा अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है इसके साथ। मुझे वैसे यही चीज़ें ही बनानी थी, मुझे चिकन या ये चीज़ें तो ट्राई करूँगी, अभी मैंने की नहीं है। ज़ाहिर है उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा वॉट का चाहिए होता होगा या जो हैवी ड्यूटी होता है, लेकिन मुझे मेरी जितनी डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी ना, उस हिसाब से अभी ये काफ़ी माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, इसको मैं वॉश नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं लगाया था, सिर्फ ब्रेड जो है ना वो मैंने इसमें ग्रिल की थी और उसके थोड़े बहुत जो पार्टिकल्स होते हैं बस वही गिर जाते हैं, वही मैंने साफ़ कर लिया। बार बार मैं वॉश नहीं कर रही हूँ क्योंकि बार बार वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब साफ़ ही होते हैं और दिन में 2 बार 3 बार ये यूज़ हो ही जाता है। फिर आप 1 दिन 2 दिन बाद आप इसको वॉश कर लें तो ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि इसको मैं वॉश करूँ। हाँ, ये वाली जो है ना वेफल्स वाली जो प्लेट्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, तो इनको मैंने वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर रख लिया था ताकि ड्राई हो जाए, तो इनको मैं रख दूँगी फिर अंदर। साथ साथ यहाँ पर मैं आटा भी गूँध रही हूँ और मेरी कोशिश ये होती है आजकल तो स्पेशली कि आटा जैसे ख़त्म हो या ख़त्म होने लगे तो मैं गूंद के रख लूँ, क्योंकि कुछ भी ना हो ना तो आप स्लाइस ले लें या स्लाइस भी ना हो क्योंकि बाहर हम जा नहीं रहे थे, तो आटे से ये होता है कि आप रोटी बना के खा ही लेते हैं। बाहर मैं आपको जब बताया था ना, मैं क्रिसमस पहले गई थी और वो भी जो चीज़ें लेनी थी, तब मेरी तबीयत तो खैर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से मेरी जब ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर मैं भी बाहर नहीं जा सकी, तो बस जो भी घर में रखा हुआ है, अब जैसे ब्रेड ख़त्म होने वाली थी तो मैंने कहा चलो जो चीज़ें भी रखी हुई हैं ना तो उन्हीं को यूज़ कर लें, इतने तक इंशाल्लाह तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और रोटी बहुत ताकत देती है, तो बस मैं कोशिश करती हूँ मैं आटा गूँध के ना और मैं रख दूँ फ्रिज में। मुझे इस डो मेकर का इतना फ़ायदा हो जाता है ना, आप यकीन करें मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। और इसलिए आपने देखा होगा कि अब मैं आपसे बहुत कम जिक्र करती हूँ इस तरह से कि मेरी कलाई में दर्द होता है या प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी तो चलें बर्तन धोना घर के काम लगे ही रहते हैं, लेकिन जब मेरी कलाई पे जोर आता था ना तब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और वो ख़त्म ही नहीं होती थी, कम भी नहीं होती थी। तो अब जब से मैंने ये लिया ना मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास भी टाइम नहीं है, आप अकेले हैं या आप एफ़र्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, देख के लीजिएगा, ऑनलाइन लेते हैं तो भी आप रिव्यूज़ रेटिंग देख लीजिएगा। मेरा तो अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना इसके साथ एक्सपीरियंस जा रहा है और अच्छा रहा है। आपने देखा है कि मैं डेली ना भी गूँधूँ, 2 दिन बाद ही गूँध लूँ, 1 दिन बाद गूँध लूँ, लेकिन फ़ौरन से जो है ना गूँध जाता है आटा और फ़ौरन ही रोटी भी बड़ी अच्छी बन जाती है इसमें। अच्छा, मैंने आज खाने में जो है वो बनाया है कीमा, इसमें मैंने थोड़े से आलू डाल लिए और मटर डाल लिए क्योंकि आलू उस्मान को अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो इस बहाने वो शौक़ से खा लेंगे। और मसाले वगैरह मैंने बहुत ही हल्के रखे हैं। खाना यहाँ पे बस रेडी हो गया है और आप ये देखें उस्मान जो है ना वो सो गए, तो उन्होंने चेंज किया, फिर मैंने सारी बेडिंग चेंज की और उसके बाद उनको नींद आ गई। नींद भी आजकल ऐसे हुई हुई है ना कि ज़्यादा आती ही नहीं है, मुझे भी और उस्मान को भी थोड़ी देर आती है, फिर आँख खुल जाती है, फिर वो आप मेडिसिन लेते हैं, फिर आपको नींद आती है, फिर आपकी आँख खुल जाती है, तो वो टुकड़ों टुकड़ों में जो है ना वो नींद होती है सारा दिन और रात में। ऐसा नहीं होता कि आपको इकट्ठी रात की नींद आ गई और आप फ्रेश हो जाएं, तो बस इसी तरह से गशी आती रहती है। मेरे साथ भी यही हाल है, उनके साथ भी यही हाल है। और स्टिल जो है ना वो टैबलेट्स तो ले रहे हैं, अब देखें कुछ दिन गुजार के फिर दोबारा टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करे। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पहले से तो शुक्र है तबीयत मेरी कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी पूरी बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे कपड़े मैं डाल रही हूँ। और एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना प्यार जो है ना वो दिया है अपने मैसेजेस में, कमेंट्स में। मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, यही मेरी रूटीन है, आप देख रहे हैं। पढ़ रही थी, सबके मैसेजेस पढ़े हैं मैंने, लेकिन मैं सॉरी कमेंट्स जो आपने किए सबके पढ़े हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, यही मेरा हाल हुआ था। और बस वीडियो मैंने बनाई थी तो मैंने कहा तो अब मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँ। और यहाँ पे मैंने बनाया है जी सैलेड। सैलेड भी मैंने बना लिया क्योंकि काफ़ी दिन से सैलेड भी नहीं खाया था और मैं बहुत मिस कर रही थी। आजकल ऐसे कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बस जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला बीमारी हो, तकलीफ़ हो, अकेले हो, कुछ भी हो, लेकिन रिस्क जो है ना वो हो ही जाता है बराबर। और अल्लाह ताला भूखा जो है ना वो किसी को भी नहीं सोने देता, तो हमारे लिए भी हर चीज़ शुक्र है बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इसलिए आजकल मैं कुछ ऐसा फॉलो नहीं कर रही हूँ, बस ये है कि जो भी होता है इतना खाया नहीं जाता, थोड़ा बहुत होता है तो वो खा लेते हैं हम। और यहाँ पे जो मैंने आटा गूँधा था, आप देखें इसकी कितने मज़े की रोटी बनती है। और यही मैं आपको बता रही थी कि जो काम इंसान की एफ़र्ट ज़्यादा लगती है और जो काम मशीन से होता है ना, तो ये होता है कि हाँ बिजली लगती है लेकिन इतनी नहीं लगती है, 5 मिनट 7 मिनट में बस इतना अच्छा आटा जो है ना वो गूंदा जाता है, फ़ौरन से गूंदा जाता है। वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है अगर आप थोड़ा करें या ज़्यादा करें, लेकिन रोटी जो है ना वो बहुत अच्छी बन जाती है और आपकी एफ़र्ट काफ़ी कम लगती है। तो मेरे ख़्याल में इंसान जब इतनी मेहनत करता है, कमाता है, तो अपने लिए इंसान को ये फैसिलिटीज़ जो है ना वो अपने आप को ज़रूर देनी चाहिए। तो बस जी मैं रोटी बना रही हूँ और साथ साथ मैं अपने टॉक शोज़ देख रही होती हूँ और इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं वो मैं देख रही होती हूँ। मेरा बस यही होता है कि मैं काम करते हुए ये सारी चीज़ें मैंने लगाई होती हैं, साथ साथ सुन रही होती हूँ और काम भी कर रही होती हूँ। रोटी बन गई और उसके साथ बस ये मैं सारी जगह भी साफ़ कर रही हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि जब मैं किचन में हूँ तो सारे काम मैं साथ साथ कंप्लीट कर लूँ। इतना बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इशू है, तो इस वजह से जितना ज़्यादा साफ़ होना उतना मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी जगह हो ना, छोटी जगह हो, तो उससे ये होता है कि फिर आपकी चीज़ें बड़ी बिखरी भी लगती हैं, कंजेस्टेड लगती हैं। और अभी इंशाल्लाह ताला मैंने 1-2 और चीज़ें लेनी है, आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं तो उनको भी ज़रा सॉल्व करना है इंशाल्लाह ताला, तो वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो रोटी बन गई है, यहाँ पे मैं इसको हॉट पॉट में रख रही हूँ क्योंकि फ़ौरन ही ठंडी हो जाती है, मतलब टेबल तक जाते हैं, रूम तक जाते ही ठंडी हो जाती है, तो इसलिए मैं हॉट पॉट में रखती हूँ। सालन भी रेडी हो गया है और ये आप देखें सालन की फ़ाइनल लुक है। और ऑयल तो मैं वैसे ही खैर कम डालती हूँ, ऑयल तो वैसे भी कम होता है आजकल भी, बस उसी हिसाब से ऑयल जो है ना वो कम ही डाल रही हूँ। तो ये देखें जी ये रेडी हो गया है। और आज का व्लॉग भी वैसे लंबा हो गया है, मेरी कोशिश थी कि चले मैं शेयर कर लूँ आपके साथ। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और आप सबकी दुआओं का वंस अगेन बहुत 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 शुक्रिया। हमने खाना खा लिया और उसके बाद कुछ बर्तन मैंने फैला के रखे हैं ताकि ड्राई हो जाएं, तो मैं इनको रख दूंगी। और उस्मान ने बहुत ही थोड़ी रोटी खाई थी तो मैंने यहीं रख दी थी कि चले दोबारा उन्हें भूख लगी तो मैं दे दूंगी, तो अभी मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। और ये सारे काम हो गए, बर्तन भी सारे वॉश कर लिए, बस ये लास्ट में बेडशीट्स जो है ना वॉश हो रही थी तो ये हो गई हैं, अभी इनको मैं डाल दूँगी, आपको दिखाती हूँ। तो सारे काम जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए हैं। बर्तन बस मैं कुछ फैला के टेबल पर रखती हूँ, कुछ यहाँ पर रखती हूँ क्योंकि बर्तन भी यहाँ पे ड्राई नहीं होते हैं, कपड़े भी ड्राई नहीं होते हैं, धूप तो बिल्कुल ही नहीं निकलती है, मुझे याद भी नहीं है धूप कब निकली थी, तो इसलिए बस यही होता है कि किसी ना किसी तरह मैनेज कर ही लेती हूँ। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह ताला जी आपसे मैं कल मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बस ये मैं आपको दिखा रही थी कि सब काम हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।